हेलो दोस्तों दोस्तों ये एक्सल 100 BS4 है मेरे पास में, और ये गाड़ी किसी मैकेनिक के पास से मेरे पास आई है। मैकेनिक ने खुद भिजवाई है कि उनके पास ले जाइए, वो TVS का ही काम करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में, ना तो किक से करंट आ रहा है, देख लीजिएगा आप, और ना ही इस गाड़ी में सेल्फ लग रहा है, सेल्फ भी नहीं ले रही है, ना ही किक से करंट आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। और इसका जो ये कोड बताने वाला बल्ब है, ये कंटिन्यू जल रहा है इसका, आप लोग देख लीजिएगा, ये कंटिन्यू जल रहा है, ना तो ये कोड बता रही है, ना सेल्फ ले रही है, और ना ही ये किक से स्टार्ट हो रही है। तो कई बारी प्रॉब्लम ऐसी आती है कि समझ में नहीं आती, मैकेनिक चाहे कितने बड़े से बड़ा हो, वहां तक मैकेनिक पहुंच नहीं पाता है जहां प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से बटन को दबा के रखने के बाद कुछ देर के बाद ये कोड बताना शुरू कर देती है एक्सल 100। करीब करीब सभी मैकेनिकों को पता होगा ये बात, लेकिन ये ऐसे कोड नहीं बता रही है। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इसका निकाल के देखा है ISG। ये चीज यानी कि इस चीज पे बहुत कम ध्यान जाता है मैकेनिक लोगों का, जिस चीज को मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, ये ISG हमने निकाला है इसका। तो आप इसमें देख सकते हो इसकी एक पिन टूटी हुई है, जो हमारी वायर STQL में जाती है ग्राउंड को देने के लिए, वो वाली पिन हमारी टूटी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस मैकेनिक के पास से गाड़ी आई है उसी मैकेनिक पे ये पिन टूटी है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें जंग लग रहा था और मैकेनिक ने इसको निकाला होगा तब ये टूट गई। ये वाली जो हमारी वायर होती है नीले कलर की जो वायर है, यही वायर हमारी जा रही है STQL में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये ग्राउंड देने का काम करती है और इसी वजह से इस गाड़ी में ना तो सेल्फ लग रहा है और ना ही किक से करंट आ रहा है, सिर्फ ओनली यही वजह है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप इस तरह की चीजें जरूर चेक करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।